हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत ही हेल्पफुल होम रेमेडी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। ऐसा होम रेमेडी कि आपने कभी ऐसा सुना ही नहीं होगा कि इससे कितने ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो इस रेमेडी को अप्लाई करने से आपके फेस पे डेड स्किन बिल्कुल रिमूव हो जाएगी, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी और आपके फेस पे काफ़ी चमक और शाइन नज़र आएगा। और आपकी स्किन पे अगर झुर्री, छाई, रिंकल्स, अनइवन स्किन, अनइवन टोन हो गया है आपका, जो भी प्रॉब्लम्स है सब रिमूव हो जाएगा और काफ़ी हेल्थी और ग्लोइंग स्किन आपकी बनेगी। तो इस रेमेडी को आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना करिएगा और उसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इस रेमेडी को आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो और या टीनेजर हो, हर कोई इसको ट्राई कर सकता है। काफ़ी इसका रिजल्ट है, आप इसको डेली भी कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं। और मेकअप करने जा रहे हैं उसके पहले आप इसको करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको मेकअप का रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप फेशियल नहीं कराए हैं, ब्लीच नहीं कराए हैं अपने फेस का, तो मेकअप करने के पहले ये रेमेडी ज़रूर अपने फेस पे अप्लाई करें, उसके बाद अपना मेकअप करें। देखिएगा आपके मेकअप पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, आपकी डेड स्किन एकदम रिमूव हो जाएगी और आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ बन जाएगी। और जैसा कि इस समय सीजन चेंज हो रहा है, आधा कुछ टाइम गर्मी और कुछ टाइम ठंडी पड़ती है, जैसा कि कॉम्बिनेशन इस समय चल रहा है। इस समय जो है रात को हम लोगों को काफ़ी ठंडक लगती है और सुबह थोड़ा सा गर्मी महसूस होती है। तो इस समय ये रेमेडी अप्लाई करिएगा आप, आपके फेस की जो हम लोग की इस समय ड्राई ड्राई स्किन हो जाती है, काफ़ी लोगों की ऐसी स्किन हो जाती है जैसा लगता है कि उनकी स्किन से चमड़ियाँ निकल रही हैं, तो उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होगा ये रेमेडी। तो वो ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई करिएगा, जिसके लिप्स फट रहे हैं, जिनके स्किन से वाइट वाइट चमड़ियाँ निकल रही हैं और जिनकी स्किन काफ़ी ड्राई हो गई हैं, फट रही हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये रेमेडी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं, इसकी बिल्कुल ना करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए हमको कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आसानी से आपके किचन में मिल जाएगी आपको, और कहीं भी मार्केट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल ही मात्र 5 या 10 रुपये वाला ये पैक, फेशियल जो भी कहें आप इसको, वो है, बिल्कुल पैसा आपका बिल्कुल नहीं लगने वाला। सारी चीज़ आपके घर में, आपके किचन में मिल जाएगी। तो उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा शुगर इस तरीके से, और कटा हुआ इस तरीके से मैंने एक टमाटो लिया है, उसको 2 भागों में कट कर लिया है। तो चलिए इसको क्या करना है, आपको इससे अपने फेस पे मसाज करना है, जिससे आपकी डेड स्किन, अगर आपकी स्किन पे जो है ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स हैं, वो रिमूव हो जाएगी, आपकी डेड स्किन बिल्कुल रिमूव हो जाएगी और आपकी स्किन ड्राई हो गई हो तो उसमें भी काफ़ी स्मूथपन आ जाएगा और नेचुरल वाला ग्लो आएगा आपके फेस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको यूज करने के पहले आपको क्या करना है, आपका फेस क्लीन होना चाहिए। तो मेरा फेस काफ़ी क्लीन है, मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाया हुआ है और कुछ भी नहीं है। आप अगर चाहे तो हम उसको टिश्यू पेपर से आपको चेक करके दिखा दें, पर ऐसा कुछ मेरे फेस पे है नहीं। तो आपको क्या करना है, शुगर में इस तरीके से डिप करना है टमाटो को इस तरीके से, और थोड़ा सा प्रेशर देके डिप करना है ताकि इसके जूस जो है अच्छे से निकल के आ जाए। और उसके बाद हमको क्या करना है, फेस पे अपने अप्लाई करना है इस तरीके से। इससे क्या है, हमारे फेस की स्क्रबिंग होंगी, डेड स्किन रिमूव हो जाएंगी और आपकी स्किन कितनी भी टैनिंग हो, झुर्री और कालेपन पड़ गए हैं, आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही है, छाइयाँ हैं, रिंकल्स है, बिल्कुल रिमूव हो जाएगा और आपका फेस काफ़ी ग्लो करेगा। अभी मैं ट्राई करके आपको दिखाती हूँ, आप वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट है आपको तुरंत भी मिलेगा और अगर आप इसको कई बार ट्राई करते हैं तो उसका बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। इस तरीके से आपको फेस पे अच्छी तरीके से दबा दबा के 10 से 15 मिनट तक मसाज देना है। टमाटो में जैसा कि आप लोग जानते हैं विटामिन सी मिलती है, हमारे फेस पे काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो वैसे ही हमारे फेस के लिए भी बहुत ही अच्छा है, आपके जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, आपकी जितनी पोर्स के ऊपर आपके फेस पे जमी हुई डेड स्किन है वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगी। अगर आपको लगे कि आपका शुगर कम हो गया है तो आप थोड़ा सा इसको और डीप कर लें।
बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दें कि आपकी स्किन पे दिक्कत हो। अगर आपको टमेटो से एलर्जी है तो प्लीज़ एक बार हाथों पे पैच टेस्ट करें, उसके बाद अप्लाई करें। और इस पैक को आप चाहे टीनेजर हों, चाहे बॉयज़ हों, चाहे लेडीज़ हों, कितने भी उम्र हो, 18 साल के बाद ही लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। आपके फेस पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा। इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। और उसके बाद टॉवल से हम फिर को ड्राई कर लेंगे। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस तरीके से हल्दी लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे गुलाब जल, थोड़ा सा ऐड करेंगे गुलाब जल, सिर्फ 2-3 बूंद, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं। और दूसरा वाला भाग लेंगे टमाटो का और इसमें अच्छे से हल्दी को मिक्स करेंगे और उसके बाद फेस पे अप्लाई करेंगे। अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं तो आप जो है शुगर वाला स्टेप जो है आप नहीं करेंगे और सिर्फ ये वाला स्टेप करेंगे हल्दी वाला। अगर आपके फेस पे ज़्यादा पिंपल्स हैं तो आप शुगर वाला स्टेप बिल्कुल ना करें। उसके बाद जो बची हुई हल्दी है उसको फिर से हम डीप करेंगे और फोरहेड पे करेंगे अच्छे से मसाज। आपको थोड़ा थोड़ा टमाटर को जो है प्रेस करना है ताकि उसकी जूस जो है निकलते रहे। इसको आपको कम से कम 5 से 6 मिनट करना है। अगर आप इस रेमेडी को डेली करते हैं तो आपके फेस पे अगर आपकी अनइवन स्किन है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी, आपकी स्किन काफ़ी हेल्थी हो जाएगी। देखिए हमें क्या है, अपने स्किन से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। जब हम अपने स्किन से प्यार करेंगे तो उसका ख्याल भी रखेंगे। और जब कोई कह देता है कि अरे आप तो 30 के हैं पर लगते हैं 20 के या 25 के लगते हैं, तो कितना ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ आप, लगता ही नहीं कि आपका एज इतना है और आप एज से कम लगते हैं। तो क्यों लगते हैं पता है, इसी वजह से लगते हैं कि हम अपने फेस का केयर करते हैं, हमारी स्किन ग्लो करती है, हमको हमारी स्किन पे हमारी एज पता नहीं चलती है। तो जो लोग अपनी स्किन से प्यार करते हैं, अपनी स्किन का केयर करते हैं, वो जल्दी बुढ़ापा उनके फेस पे नहीं आता है। तो आप लोग भी ये ध्यान रखें कि अगर आपको ज़्यादा बुढ़ापा नहीं अपने स्किन पे दिखाना है तो आप भी अपने स्किन से प्यार करें और अपने स्किन का केयर करें। तो उसके बाद हम इसको रिमूव कर देंगे। तो आप लोग को दिख रहा होगा फर्क मेरे फेस पे। अब
आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। ट्राई करेंगे आपको खुद फ़र्क दिखेगा। मैं कैमरा को कहीं भी स्किप नहीं कर रही हूँ, चालू कैमरा से ही मैं फेस को वॉश कर रही हूँ और ड्राई कर रही हूँ कि कहीं आपको ना लगे कि हमने फेस पे कुछ अप्लाई किया ऐसा। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे फेस पे क्या रिजल्ट है, बिफोर और आफ्टर मैंने सब आपके साथ शेयर किया है। और उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा मॉइस्चराइजर इस तरीके से और फेस पे अपने अप्लाई करेंगे कि कोई भी हम फेस पे अप्लाई करते हैं मसाज क्रीम या स्क्रबिंग, तो उसके बाद हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, उससे डेड स्किन सारे रिमूव हो जाते हैं। और उसके बाद हमको क्या करना है, मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है जिससे हमारी स्किन काफ़ी स्मूथ बन जाए और हमारी स्किन और ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ और शाइन करें। तो देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके सारे स्किन के प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाएंगे, आपकी डेड स्किन बिल्कुल रिमूव हो जाएगी और ड्राईपन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपकी स्किन हेल्थी और ग्लो करेगा। तो आई होप मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा जैसे हर रेमेडी वीडियो को आप देते हैं। और मैं यही कोशिश करूँगी आप लोग को कि ऐसे ही अच्छे अच्छे हेल्थ थी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूं मैं, और अपना ढेर सारा प्यार अपने फैमिली का पाती रहूं। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और दोस्तों में शेयर करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा जिसका आईडी नेम है रोशनी तिवारी 01 से। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट किस टॉपिक पर मैं आपको वीडियो शेयर करूं। तो शायद मैं कमेंट लेट पढ़ती हूं पर कमेंट के जवाब मैं नहीं दे पाती हूं, तो उसके लिए सॉरी। मैं अपने हर वीडियो में आप लोग के कमेंट के जवाब देती रहती हूं, तो वीडियो को पूरा देखा करिए, लास्ट में आपके कमेंट के जवाब मैं देती हूं। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी शेयर करिएगा। और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।